बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो आज मैं क्या बनाने लगी हूँ, आज मैं कुछ जी मैं आज जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ केक की रेसिपी, क्योंकि उस दिन मैंने केक बनाया था तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी थी। तो आज हुदा फिर से ज़िद कर रही है कि मैंने केक खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पे सारा सामान जो है वो निकाल के रखती हूँ, गैस अभी नहीं आई। तो उससे पहले मैंने कहा सारा जो है ना उसका मिक्सर रेडी कर लूँ, ताकि जैसे ही गैस आए फिर हाँ ऊपर रख दूँगी। क्योंकि आपको पता है हमारे गैस का बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से हमें एक ही टाइम में उसी टाइम में हमने बाकी खाने पीने का भी अरेंज करना होता है, और अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तो उसी टाइम में वो भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। तो मैंने कभी पहले मिक्सचर वगैरह बना के रेडी कर लेती हूँ, तो साथ में फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे केक बना रही हूँ, अभी बगैर ओवन के। तो मैं कैसे केक बनाती हूँ, तो जी देख लें आप, ये चीज़ें मैंने रेडी कर ली हैं। ये मेरे पास दूध है 1/4 कप, और ये चीनी है, ये मैंने खुद ही इतनी ली है क्योंकि हमारे चीनी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं यूज़ करनी। बेकिंग पाउडर हो गया, 2 अंडे और वनीला एसेंस है मेरे पास, और ये मैंने 1 कप में मैदा जो है वो छान के रख लिया। तो सबसे पहले मैं अंडों को बीट करूँगी, तो अंडे बीट करके उसके बाद मैं आपको साथ साथ जो भी अमल करती हूँ मैं आपको बताते जाती हूँ। तो जी देखिए, मैंने अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिए, और अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप दूध, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी, और इसको मैं ऐड कर दूँगी फिर से ब्लेंड। मैं साथ में पहले ब्लेंड कर लूँ, उसके बाद मैं वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ, और क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है तो साथ में से मैं काम नहीं कर सकती। तो जी देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि जो है ना ये अंडे की स्मेल ना आए। और इसके साथ मैं डालूँगी 1/4 जो है वो इसमें ऑयल, और मैं इसे एक दफ़ा फिर से बीट कर दूँगी। हम आप लोगों के पास अगर बीटर है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग इसके साथ हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पून के साथ भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और चीनी भी अगर तो पिसी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ये दूसरी चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बस उसके साथ जो है तो मिक्स करना ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए मिक्स इसको मैं ज़्यादा करूँगी, बीटर में इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है ये बेकिंग पाउडर है, और इसको मैं बीट कर दूंगी। बाकी तो थोड़ा सा भी ये हुआ नहीं है सही से, बर्तन को टेढ़ा करना पड़ेगा। खुद आप इधर से पकड़ के रखो इसको, गिरे ना। अच्छा इसको बीट कर दूँगी, देखिए जी बेकिंग पाउडर भी अब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप मेरे पास है मैदा, वो थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि इसकी गुटलियाँ ना बन जाएँ, तो मैं इसको पहले डाल के अच्छी तरह से ना बीट कर लूँगी। जी देखिए, अब मेरे के इसकी डो जो है केक की कितनी ज़बरदस्त रेडी हो गई है, और इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। अच्छा जी, तो और आप देख लें मैंने बर्तन कौन सा लिया, मेरे पास यही बर्तन है केक बनाने के लिए। इसको गैस आएगी तो मैं इसको थोड़ा सा ना ड्राई करके, ड्राई तो ये उतनी ज़्यादा खुद ही हो जाएगा, तो इसको ग्रीस कर लूँगी। और ये मैंने प्रेशर कुकर लिया, इसमें मैंने इस केक को बनाना है। इसको पहले मैं प्री हीट करूँगी, यानी कि मैं इसको गैस के ऊपर रख के थोड़ी देर के लिए गर्म कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो है वो ये सारा मिक्सर अंडे लूँगी और इसके अंदर रख लूँगी, और 20 मिनट के लिए जो है इसको दरमियानी आंच पे मैं पकने के लिए रख लूँगी। तो जितनी देर अभी गैस आनी है उतनी देर हमें इसका वेट करना पड़ेगा। तो जी तुझे देख लो, गैस आ चुकी है, लेकिन आई कितनी का गैस का आप जो है ना वो फुल है गैस, लेकिन इसकी जो है वो आप देखें कितनी सी गैस आ रही है, इसकी आँच देखें आप। तो मैंने इसके ऊपर प्रेशर को रख दिया प्री हीट होने के लिए, और मैं इसको जो है वो ग्रीस करूँगी पहले,
मेरे पास बटर पेपर मौजूद नहीं है तो हम ऐसे ही केक बनाएंगे देसी तरीके से, क्योंकि हम सारे काम देसी करते हैं, इसलिए हम ये भी काम देसी ही करेंगे। इसको मैं अच्छी तरह से ना साइडों पे पूरी तरह से लगा लूँगी। इसको मैंने ग्रीस कर लिया अच्छी तरह से, और मैं इसमें जो है वो अपने जो मैंने मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैंने आज इसमें चॉकलेट कलर नहीं डाला, उस दिन मैंने चॉकलेट कलर डाल दिया था तो इसलिए कलर का जो उसका केक का कलर ना वो थोड़ा डिफरेंट हो गया था, तो आज मैंने नहीं डाला। जी देखिए, मैंने इसमें डाल दिया केक, और गैस भी अब तकरीबन तेज़ हो गई है देखें, लेकिन अभी जो ना इसकी नकली नकली आँच है, मुझे लगता है बंद होने लगी है। ओके, बंद होने लगी। लाइव प्रूव है आपके सामने, हमारी गैस बंद हो गई है फिर से आके। हाँ जी, मैं ज़्यादा आन लगी है, ये आ रही है, बस ऐसा आ रही, आ गई है जी। तो मैं अब बर्तन मेरा मुझे लगता है प्री हीट हो गया होगा अच्छी तरह से, प्रेशर अंदर से, हाँ जी हो गया है। तो मैं इसको जो है ना हल्की आँच में करके इसमें मैं अपने केक रखती हूँ। तो जी आप देखें, मैंने इसमें इसको रख दिया केक बनने के लिए, और अब मैं इसको प्रेशर को बंद कर दूँगी ताकि जो हमारा जो है ना वो केक बन जाए। 20 मिनट बाद प्रेशर खोलेंगे और फिर देखेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब मैं इसको चेक करने लगी हूँ, यहाँ से बिल्कुल मैं आपको दोबारा से चेक करवा देती हूँ, वीडियो में नहीं आया। ये देखिए, इसमें बिल्कुल जो है ना ये बिल्कुल ड्राई है, ज़रा सा भी नहीं नज़र आ रहा। तो अब इसको मैं निकालती हूँ, ये घी लगाने का ये फ़ायदा होता है कि ये साइडों से ना खुद ही फट गया है। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लूँ और फिर आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। ये देख लें माशाल्लाह से, इतनी प्यारी इसकी लुक आई है। आप बर्थडे केक काटने लगी हैं? पहले आप मुझे ना, तो इसके पास जूता है और ना ही हुदा के पास जूता है। हुदा कह रही मैंने केक कटिंग करना है, अब देखते हैं हुदा कटिंग कर रही है इसको। ये माशाल्लाह से फ्रूट केक की तरह बन गया, ये पहन के आई है हुदा जूता। चलें जी देखें हुदा केक काटने लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, हुदा ने हैप्पी बर्थडे कर दिया है ना हुदा, हाँ छोटी सी हैप्पी बर्थडे। देखिए जी हमारा केक माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट बना है, अंदर से गर्म है ज़रा। नहीं नहीं बस छोड़ दो अब आप। देखिए अब मैं इसको काटने लगी हूँ, आपने काट तो लिया, अब आपसे ज़्यादा नहीं ना कटना। तो जी देखिए ये हमारा फ्रूट केक बन के रेडी है, और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का बना। अच्छा जी, आपके लिए ही बनाया मैंने, और किसके लिए बनाया? माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये केक, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बग़ैर ओवन के हमारा केक बना है ये, तो बच्चे जो हैं वो इसको इंजॉय करने लगे हैं। जी मैं लूँगी अब यहाँ से आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह कल आएंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। और हमारा केक जो है वो आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बग़ैर ओवन के केक बनेगा और बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। केक बनाएं, बच्चों को खुश करें, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।